किसी बदली नहीं आ रही है, प्राइवेट करने लगे हैं। साल में किसी कोई बस नहीं आई। क्या आप लोगों को डर है कि आपकी नौकरी भी चली जाएगी? जाएगी भाई, कौन से की जाएगी? डीटीसी की बस आ रही है? नहीं आ रही, डीटीसी बदली नहीं आ रही है। वो तो कह रहे हैं हम तो बहुत बस ला दी डीटीसी की, और डीटीसी कर्मचारियों को हम तो बहुत पैसा देते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं। कोई कुछ नहीं दे रहा है। वो तो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे हम तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, और अब तो प्राइवेट करने लगे हैं। तो आप, क्या आप लोगों को डर है कि आपकी नौकरी भी चली जाएगी? जाएगी भाई, सब जाएगी। मगर वो तो कह रहे हैं मैं तो गरीबों के साथ हूँ, मेरी सरकार गरीबों की है। ये गरीबों की सरकार जो ठेका खोल रही है। देखिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका दर्द है ये सबको भैया। तो ये अभी तक ये केजरीवाल जी ये शायद कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर में हमने डीटीसी को इतना शानदार बना दिया है कि ऐसी परिवहन व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। ये आपके सामने है, 8 साल में डीटीसी कोई नहीं बस नहीं आई, कोई बस नहीं आई। तो वो तो कहते हैं साहब कभी हमने 500 ला दिया, कभी 1000 ला दिया, कभी बेड़े इतना ला दिया। ये हालत है, डीटीसी बस नहीं आई 8 साल से। तो एक भी बस नहीं आई है 8 साल से डीटीसी कोई बस नहीं, सब कलेक्टर की बस है। देखिए ये हकीकत है साथियों, ये देखिए दिल्ली की हकीकत है। कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पे आज ये गाड़ी चला रहे हैं, ये उनका दर्द है। ये इनको किसी दुश्मनी नहीं है, ये उनका दर्द है जो उनके साथ ठगा गया है दिल्ली के अंदर में, जो इनके साथ गलत हुआ है। और इनको ये तक कभी विश्वास नहीं है कि हमें यहाँ नौकरी से हटा दिया जाएगा, हमारे बच्चों के पेट पर लात पड़ जाएगी।